हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स फोरम। मैं आज के इस वीडियो में कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का मानना है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स मतलब ये तो मल्टीबैगर रिटर्न जेनरेट करके ही देगा। रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे बड़ा गलती ये करता है कि उन लोग भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है। जब स्टॉक्स में तेज़ी दिखाई देगा तब उन लोग उस स्टॉक्स को खरीदने के लिए भागेगा। जब स्टॉक्स भागता है तब उस स्टॉक्स को खरीदना कोई बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन उस कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स को जाने बिना ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना गलत बात है, जिससे आपका प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस ही झेलना पड़ता है। ऐसा ना हो इसीलिए कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स बिजनेस को एनालाइज करना होता है, और फ्यूचर में कंपनी का ग्रो करने का पोटेंशियल कितना है वो भी देखना पड़ता है। तो आज मैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी 5 साल में 320% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को जेनरेट करके दिया है। टाटा केमिकल्स बेसिक केमिस्ट्री एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, साथ में ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करता है। ये कंपनी टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, जिसका ग्लोबल सोडा एस इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में है। ग्लोबली टाटा केमिकल्स लिमिटेड थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस प्रोड्यूसर है और पूरी वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोड्यूसर है। टाटा केमिकल्स का बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट में एल्कली प्रोडक्ट्स, हैलोजन प्रोडक्ट्स और सॉल्ट प्रोडक्ट्स आता है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स सेगमेंट में एग्रो साइंसेस, न्यूट्रिशनल साइंसेस और मटेरियल साइंसेस आता है। अगर आप रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप देखोगे तो बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स 77% रेवेन्यू जेनरेट करता है और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स 23% रेवेन्यू जेनरेट करता है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखोगे तो सोडा एस से 52% रेवेन्यू आता है, सॉल्ट से 12% रेवेन्यू आता है, बाइकार्बोनेट से 4% रेवेन्यू आता है, क्रॉप प्रोटेक्शन से 17% रेवेन्यू आता है, सीड से 3% रेवेन्यू आता है और अदर्स से 12% रेवेन्यू आता है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड का मार्केट कैप 28,996 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। फाइनेंशियल्स में लास्ट 3 क्वार्टर्स का रेवेन्यू देखोगे तो जून 2023 में 4,218 करोड़ का था, सितंबर 2023 में 3,998 करोड़ का था और दिसंबर 2023 में 3,730 करोड़ का है। अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो जून 2023 में 578 करोड़ का था, सितंबर 2023 में 507 करोड़ का था और लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 2023 में 134 करोड़ का है। पिछला 2 क्वार्टर्स से इस बार प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है। नाउ बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखोगे तो 15,737 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों 0 है। प्योर डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास 85 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास 37.98% है, FIIs के पास 14.07% है, DIIs के पास 20.44% है और पब्लिक के पास 27.49% है। इंस्टीट्यूशंस के पास अराउंड 34% का स्टेक है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। पीयर कंपैरिजन देखोगे तो केमिकल्स के सेक्टर में टाटा केमिकल्स लिमिटेड 6th नंबर पर आता है।
नाउ नेक्स्ट स्टॉक का नाम है बिनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसका 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 75% डिलीवर किया है और मैक्सिमम देखोगे तो 9,500% का मल्टीबैगर रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को जेनरेट करके दिया है। बिनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडियरीज एंड मोनोमर्स मैन्युफैक्चर करता है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो स्पेशलिटी एरोमेटिक्स, स्पेशलिटी मोनोमर्स, बुटाइल फेनल्स, अदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और मिसलिनियस पॉलीमर्स। ये कंपनी करेंटली 580 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है, जिसमें से 300 करोड़ ATBS कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी 280 करोड़ विरल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू एडिशनल डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोबुटालिन मैन्युफैक्चर्स किया जाएगा। ATBS और IBB प्रोडक्शन के मामले में ये कंपनी फर्स्ट नंबर पर आता है, जिसके पास इन दो प्रोडक्ट्स का 65% प्लस मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट से 68% रेवेन्यू जनरेट करता है और डोमेस्टिक सेल्स से 32% रेवेन्यू जनरेट करता है। वन थिंग टू नोट हेयर, बाहर के देशों में क्या हो रहा है उसके ऊपर इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा होगा वो डिपेंड करता है, एज एक्सपोर्ट से ये कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,242 करोड़ का है, स्मॉल कैप टाइप का कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.4% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.6% है। फाइनेंशियल्स में कंपनी का लास्ट 3 क्वार्टर्स का रेवेन्यू देखोगे तो जून 2023 में 431 करोड़ का था, सितंबर 2023 में 448 करोड़ का था और दिसंबर 2023 में 447 करोड़ का है। अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो जून 2023 में 83 करोड़ का था, सितंबर 2023 में 84 करोड़ का था और लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 2023 में 76 करोड़ का है। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। नाउ बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस देखोगे तो 2,208 करोड़ का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0.20 करोड़ का है। प्योर डेट फ्री कंपनी है ऐसा आप बोल सकते हो। कंपनी के पास 8 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास 74.06% है, FIs के पास 4.71% है, DIs के पास 7.55% है और पब्लिक के पास 13.69% है। इंस्टीट्यूशंस के पास अराउंड 12% का स्टेक है। पीयर कंपैरिजन देखोगे तो केमिकल्स के सेक्टर में बिनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 8th नंबर पर आता है। तो आप इन दो स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक्स के बारे में और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।